21 मार्च सोमवार को दुमका पुलिस द्वारा 3 दिवसीय आयोजित अमर शहीद अमरजीत बलिहार स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच बुधवार को खेला गया, जिसमें रामगढ़ की यंग ब्रदर्स टीम ने 4-1 गोल से J5 देवघर को मात देकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की, साथ ही 75,000 इनाम के हकदार हुए। 3 दिवसीय इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 15 मुकाबले खेले गए, जिस दौरान खेल के सेमीफाइनल में यंग ब्रदर्स रामगढ़ ने किस्कू कंस्ट्रक्शन जामताड़ा को और J5 देवघर ने ओल AU मालदा को हराकर फाइनल में अपना स्थान बनाया था। फाइनल मुकाबले में रामगढ़ की टीम पूरे मुकाबले में विपक्षी टीम पर हावी रही। रामगढ़ के फ्रंटलाइन स्ट्राइकर्स के आगे देवघर टीम की डिफेंस पीकी साबित हुई। खेल की शुरुआत के पूर्व छड़ों में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित संथाल परगना DIG सुदर्शन मंडल, साथ ही अन्य उपस्थित सभी विशेष अधिकारी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनकी हौसला अफजाई करते उन्हें शुभकामनाएं दी। फाइनल प्रतियोगिता के पश्चात मुख्य अतिथि DIG सुदर्शन मंडल ने रामगढ़ यंग ब्रदर टीम को विजेता ट्रॉफी और 75,000 की राशि देकर सम्मानित किया। उपविजेता टीम को उपस्थित अतिथि पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा ने ट्रॉफी और 50,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। साथ ही तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली मालदा और जामताड़ा की टीम को 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। रामगढ़ टीम के अनिल मरांडी ने फाइनल खेल में 2 गोल करने के लिए मैन ऑफ द मैच, साथ ही पूरे खेल में 3 गोल करने के लिए बेस्ट स्कोरर के रूप में चुन उन्हें सम्मानित किया गया, एवं देवघर टीम के सूरज किस्कू और पालो जोरी टीम के रजनीश को बेस्ट गोलकीपर चुना गया। फाइनल खेल के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रति गोल पर 1100 रुपए की नगद राशि का इनाम विशेष अतिथि सदर SDPO विजय सिंह एवं बतौर खेल आयोजक SDPO नूर मुस्तफा द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया। खेल समापन के मौके पर संथाल परगना DIG सुदर्शन मंडल ने खेल के सफल आयोजन के लिए जिला पुलिस प्रशासन अधीक्षक श्री अंबर लकड़ा एवं विशेषकर बतौर मुख्य आयोजक के तौर पर SDPO नूर मुस्तफा, काठीकुंड पुलिस निरीक्षक अतन कुमार, थाना प्रभारी श्यामल कुमार मंडल को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने कम अंतराल में इतनी सफल आयोजित प्रतियोगिता के लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। कहा कि आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि इससे भी बड़े स्तर पर प्रतियोगिता हम करा सकें। इस प्रकार के खेल का आयोजन पुलिस और जनता के बीच के संबंध को निखारने का काम करेगी, विशेषकर अवांछित तत्वों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। इस मौके पर जिले के SP, DFO, DTO साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। काठीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। साहबगंज जिले के SP साहब, साथ ही साथ पाकुड़ से आए हुए SP साहब और पुलिस विभाग के सम्मानित पदाधिकारी, एक जोरदार ताली होना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी लेते हुए शहीद अमरजीत बलिहार फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब लेते हुए इस साल यंग ब्रदर्स क्लब रामगढ़ टूर्नामेंट 2022 के फाइनल समारोह में उपस्थित SP साहेबगंज, SP दुमका, कमांडेंट SSB, QIC SSB, IS प्रोफेशनल, DMO साहब, DSP हेडक्वार्टर विजय, SDPO नूर, SDPO मेस, DSP साहब शिवेंद्र, सर्जन मेजर दुमका, तमाम पुलिस पदाधिकारी एक कर्मी तथा दर्शक एक पत्रकार, ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट का जिस तरह से इतने काठीकुंड के नक्के ग्राउंड में जिस तरह का आयोजन किया गया है, इसके लिए आयोजन समिति का मैं आभारी हूँ और दुमका पुलिस, संथाल परगना पुलिस आभारी है कि इतना शानदार टूर्नामेंट इतने कम समय में कराया गया है। इस टूर्नामेंट में सभी के द्वारा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया गया, लेकिन एक नाम जो मैं सबके सामने लूंगा वो SDPO नूर मुस्तफा, वो शुरू से मैंने कि लगातार यहाँ पर रहे हैं और सभी ने काफ़ी मेहनत किया है। कुछ लोग बैकग्राउंड में रहते हैं, उनके बारे में आप जानते कम है कि, लेकिन जो पुलिस लाइन की जो हमारी टीम होती है
आपने देखा होगा जो हमारे जो स्वागत समारोह में पुलिस कर महिलाएं थी, वो सारे हमारे पुलिस विभाग की हैं और सभी को मतलब ये ऑर्गेनाइज करते हैं एकमात्र व्यक्ति हैं जो सर्जन मेजर, तो उनका भी बैकग्राउंड में रहता है और डायरेक्ट पुलिसिंग में नहीं नजर आते हैं, इसलिए आप लोग लगता है कि उनकी मेहनत कम है, लेकिन उनका भी योगदान काफ़ी सराहनीय है। ओवरऑल जो पुलिस कप्तान हैं जो यहाँ दुमका के श्री अम्मा लकड़ा जी, उन्हीं के ही गाइडलाइंस में ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, उन्होंने ही पहली बार मुझसे जिक्र किया था इसका एक टूर्नामेंट कराया जाए, तो हमने टूर्नामेंट का एक खाका तैयार किया और जो हम उस समय सरजम बेड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट के लोग हमसे आके मिले हुए थे, हमने उनसे अनुरोध किया था कि ये हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका हमने अनाउंस कराया था कि आप इसको टेक्निकल सपोर्ट दें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।